हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 107 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा मिक्सचर एलिगेशन पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग का स्पेशल मैथ टेस्ट चल रहा है पटना में। जो लोग पटना से हैं, इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। BSC अकेडमी राजेंद्र नगर ब्रांच एंड बोरी नगर ब्रांच, दोनों ही जगह ये टेस्ट अवेलेबल है। देखो, आज का सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, कि वो लोग सोचते हैं सर हर जगह जादू मंत्र दिखा दो और सब चीज़ आसानी से सॉल्व हो जाए। देखो, ऐसा नहीं होता है। ऐसा सिर्फ PT तक होता है, मेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इस सवाल को मैं पहले बेसिक से बताऊँगा और फिर मैं इसका शॉर्ट अप्रोच बताऊँगा। ठीक है, दोनों को ऑब्जर्व करके खुद से डिसाइड करो कि कैसे बेसिक से शॉर्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, चीज़ों को खुद से भी सॉल्व करना सीखो। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना कि पहले मैंने इसे बेसिक बताया है और कैसे बेसिक से ही अप्रोच लेके मैंने इसे पूरा फंडामेंटली आगे लेके गया हूँ। ठीक है, तो चीज़ों को ऐसे ध्यान में रखना, हमें रखना है कि एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट एकदम ऑब्जर्व करते हुए चलना। देखो क्या बोल रहा है सवाल में कि प्रोडक्ट M इज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग केमिकल X एंड Y, ठीक है, इन द रेशियो 5:4। प्रोडक्ट M जो है वो प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, X और Y को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो प्रोडक्ट M आता है, और X और Y की जो रेशियो है वो कितनी है, 5:4। ठीक है, जब X और Y की रेशियो 5:4 है तो अगर हम X का पार्ट बोलें तो X का पार्ट कितना हो जाएगा, 5:9। अगर हम Y का पार्ट बोलें तो Y का पार्ट क्या हो जाएगा, 4:9। ठीक है, अब आगे देखो, केमिकल एक्स इज प्रिपेयर्ड बाय, अब केमिकल एक्स जो है वो प्रिपेयर्ड होता है मिक्सिंग टू रॉ मटेरियल्स ए एंड बी इन द रेशियो 1:3। एक्स जो प्रिपेयर्ड होता है वो दो रॉ मटेरियल्स होता है, नेमली ए एंड बी, और जिनकी रेशियो है 1:3। ठीक है, और केमिकल वाई इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग रॉ मटेरियल्स बी एंड सी इन द रेशियो 2:1। केमिकल वाई जो प्रिपेयर्ड होता है बी रेशियो सी मिला के होता है, किस रेशियो में, 2:1। ठीक है, अब सवाल पहले पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, सवाल पहले समझा देता हूं मैं। ठीक है, देन द फाइनल मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 864 यूनिट। फाइनल मिक्सचर जो प्रिपेयर्ड होता है वो कैसे प्रिपेयर्ड होता है, मिक्सिंग 864 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एम। ठीक है, प्रोडक्ट एम का ओनली 864 यूनिट वो लेता है, एंड प्लस क्या लेता है, वाटर, और यही हमारा एक फाइनल मिक्सचर क्रिएट करता है। If the concentration of raw material B in the final mixture, concentration जो है raw material का B final mixture में, यानी कि 864 plus water में, mixture is 50%, B की मात्रा कितनी है, 50% है। यानी कि जब B की मात्रा 50% है, यानी कि total concentration क्या होगा, B की मात्रा का just double। ठीक है, अगर B की मात्रा 50 liter ही होगी, मान लो suppose that B की मात्रा अगर 50 liter है, तो total concentration क्या, 50% का मान हमारा 50 liter है, तो 100% मान क्या हो जाएगा हमारा, 100 लीटर। जस्ट डबल कर देना, यानी कि बी की मात्रा जो आ गई उसको जस्ट हमें क्या कर देना है, डबल कर देंगे, तो टोटल कंसंट्रेशन निकल जाएगी, यानी कि 864 प्लस क्या, वाटर। और ये 864 जो उठाया गया है, ये 864 किसकी ली गई है, एम की ली गई है। ठीक है, अब आगे देखो सवाल में क्या बोल रहा है, हाउ मच वाटर हैड बीन एडेड टू प्रोडक्ट एम, प्रोडक्ट एम में कितना वाटर एड किया गया। तो मुख्य रूप से देखो यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि हम बात कर रहे हैं हम लोग मटेरियल बी पे। ठीक है, तो हम लोग मटेरियल बी को ही फोकस करेंगे। अगर हम बात करें केमिकल एक्स में मटेरियल बी की क्वांटिटी की, तो मटेरियल बी कितना हो जाएगा हमारा, केमिकल एक्स कितना है हमारा, 5:9, और उसमें बी कितनी हो जाएगी, 3:4। ठीक है, फिर यहां से देखो केमिकल वाई में अगर हम लोग बात करें बी की, तो केमिकल वाई में हमारा बी की, पहले वाई का कंसंट्रेशन कितना है हमारा, वाई का कंसंट्रेशन है हमारा 4:9। ठीक है, फिर उसमें बी की बात करेंगे तो बी हमारा कितना हो जाएगा, 2:3, यानी कि टोटल बी जो मिक्स्ड होगा वो कुछ इसी तरीके से मिक्स्ड होगा। इसी को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो आप लिख सकते हो 15 कितना, 9:4 36 हमारा होगा यहाँ पे, और 4:8 हमारा कितना, 27। ठीक है, अब इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यही हमारा देगा यहाँ से 77:108। ठीक है, जब 77:108 आ गया तो ये 77:108 में क्या आया, यानी बी जो टोटल लिया गया था वो था 77:108। ठीक है, बी आ कहाँ से रहा है, ये केमिकल एक्स और वाई से आ रहा है, और केमिकल एक्स और वाई मिला के क्या बन रहा है, एम बन रहा है, और एम का कितना यूनिट उठाया गया, सॉरी यहाँ से ये एम का कितना यूनिट उठाया गया है, एम का यूनिट जो उठाया गया है वो उठाया गया है 864, यानी 864 यूनिट में हमारी बी की मात्रा जो होगी वो बी की मात्रा कितनी होगी,
क्वांटिटी ऑफ बी अगर हम लोग निकालेंगे तो क्वांटिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, 864 इंटू में कितना 77 अपॉन में 108, क्योंकि बी का पार्ट जो है वो कितना है 77 अपॉन में 108 है। 108 से जब मैं इसे काटूंगा तो 108 से ये 8 बार में कटेगा और 8 इंटू 77 हमें देगा 616 लीटर, ठीक है, यानी 616 यूनिट हमारा बी था, ठीक है, किसमें, जब वो एम का 864 यूनिट उठा रहा था तब। अभी मैंने आपको समझाया था कि मटेरियल बी जो फाइनल मिक्सचर में है वो कितना है 50% है, 50% यानी कि टोटल मिक्सचर जो है वो टोटल मिक्सचर हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल मिक्सचर हम लोग निकालेंगे जस्ट बी का डबल करके। अभी मैंने समझाया था ना 50% की मान अगर 50 लीटर है तो 100% की मान कितनी हो जाएगी, 100 लीटर, जस्ट डबल, यानी कि टोटल मिक्सचर जो 864 प्लस वाटर बराबर होगा वो कितना होगा हमारा 616 इंटू में क्या 2, यानी कि ये हमें देगा 1232, ठीक है, यानी कि टोटल मिक्सचर जो है हमारा जब M का 864 यूनिट और वाटर लेते हैं तो वो होता है 1232 यूनिट, ठीक है। तो जब 1232 यूनिट हमारा आ गया, हमसे पूछ रहा है क्या, व्हाट वाज, हाउ मच वाटर हैड बीन एडेड टू प्रोडक्ट M, प्रोडक्ट M में कितना वाटर ऐड किया गया। अब देखो सवाल में क्या है कि जो फाइनल मिक्सचर बन रहा था वो कैसे बन रहा था, 864 यूनिट हम ले रहे थे M का और वाटर ले रहे थे, जब टोटल मिक्सचर हमारा 1232 है यानी कि हम क्या बोल सकते हैं 864 प्लस में वाटर इज इक्वल टू 1232, यहाँ से हम 864 को 1232 में जब घटा देंगे तो वाटर की वैल्यू निकल जाएगी और वाटर की वैल्यू कितनी निकल जाएगी हमारा 1232 में जब 864 घटाएंगे तो यही हमें देगा 368 यूनिट, और इसी के साथ हमारा आंसर जो है 368 यूनिट है, ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें वाटर निकल गई 368 यूनिट। अब देखो इसका मैं एकदम शॉर्टेस्ट अप्रोच बताता हूँ और चीज़ों को ध्यान से बस ऑब्जर्व करना कि मैंने किया क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे M था, M से हमारा क्या बना, दो ब्रांच बन रहा है हमारा X और Y, M किससे बन रहा है X और Y से बन रहा है, जहां X और Y की क्वांटिटी का रेशियो दिए हुए है 5:4, ठीक है। X से हमारा यहां से उठाया गया, X से क्या उठाया गया हमारा A और B जिसकी क्वांटिटी है 1:3, और यहां से A और B, ठीक है, और Y से जो उठाया गया वो उठाया गया B और C, ठीक है, B और C जो उठाया गया उसकी क्वांटिटी है 2:1। अगर इस इनिशियल केस में आप बोल दो कि M के पास हमारा 5:4 कितना, अभी नीचे वाला पार्ट भूल जाओ, यहाँ 5:4 के नीचे वाला पार्ट जो है वो आप भूल जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बोलो कि 5:4:9 यूनिट ही हमारा था, ठीक है, तो बोल दिया मैंने M 9 यूनिट था, यानी X कितना होगा 5 होगा और Y कितना होगा 4 यूनिट होगा, ठीक है। अब 5 यूनिट को जब 1:3 में डिवाइड करूंगा तो फिर हमें एक प्रॉब्लम आएगी उसको डिवाइड करने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऐसा कोई नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे डिविजन में हमको कोई दिक्कत नहीं आएगा, यानी कि 314 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर ये 20 हो जाए तो ये आसानी से चीज़ें कर देंगे, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें टोटल में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो स्टार्टिंग में हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ एक्स की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, ठीक है। जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो वाई में भी 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी कि 4:4=16 हो जाएगा। क्या अभी भी 2:3:1 में हम इसे आसानी से बांट सकते हैं, नहीं, क्योंकि 16 3 से नहीं कटता है हमारा, ठीक है। तो 16 जब 3 से नहीं कटता है तो इसे भी मुझे कटने के लिए, बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 का इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 को अगर 2:1:3:2:1 क्या हो जाएगा हमारा 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 4 को तो ये हमारा 12 हो जाएगा। 12 को आसानी से हम 2:1 में बांट सकते हैं, यानी कि ये 3 को हम डायरेक्ट यहाँ नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टोटल क्वांटिटी में हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो चीज़ें एकदम आसानी से कट जाएंगी। यहाँ पे मैंने 9 था, 9 को इस इनिशियल कंडीशन में किससे बेसिकली मल्टीप्लाई किया, 12 से, तो इसे भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे ये हमें क्या देगा 60 देगा और यहाँ पे ये हमें क्या देगा 48 देगा। जब 60 दे दिया तो अब यहाँ पे ध्यान दो, 314 यूनिट की वैल्यू जो है, 4 यूनिट की, मैं सिर्फ एक का लिख रहा हूँ, अगला मैंने मुंह पे करना है, ठीक है। 4 यूनिट की वैल्यू जब 60 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, ठीक है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 45 हो गई। सेम एज यहाँ पे भी मुझे बात ध्यान रखना है किस पे है, बी पे ध्यान रखना है, तो यहाँ पे बी पे ध्यान रखो, 213 है, 3 की वैल्यू 48 के बराबर, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 16, ठीक है। 16 जब हो गई तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 2 की वैल्यू हो जाएगी 32 और यहां से हमारी इसकी 1 की वैल्यू हो जाएगी 16। मुझे इधर उधर कहीं नहीं जाना है, मुझे सिर्फ B पे फोकस रखना है, B की वैल्यू कितनी है यहां पे देखो, तो B जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कितना 45 प्लस में 32, दैट इज नन अदर देन 77, ठीक है, 45 प्लस में 32 दैट इज नन अदर देन 77। अब यहां पे आओ स्टार्टिंग में M में, M में टोटल क्वांटिटी हम लोगों ने क्या लेके चला था, 9 * 4 * 3,
जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 4 3 12 12 9 हमारा देगा 108 यूनिट। ठीक है, अब हमारा सवाल में बोला था कि जो फाइनल मिक्सचर फॉर्म करता है वो कैसे फॉर्म करता है। अभी मैंने बताया था आपको तुरंत 864 प्लस में वाटर लेके, यानी एम की तो मैंने 864 यूनिट ही ली ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 108 यूनिट मैंने लिया है, तो यहाँ पे मैं बस यूनिट में इसको तुलना कर दूंगा। ठीक है, यानी तुलना कैसे करूंगा मैं, 108 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 864 के बराबर होगी। यानी एक यूनिट की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है कि 8 के बराबर होगी। ठीक है, 800 और 8 8 64। ठीक है, एक यूनिट जब 8 निकल गया हमारा तो 77 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 77 इंटू 8 दैट इज नन अदर देन 616। देखो यहां से भी बी हमारा कितना निकल गया, 616 निकल गया, और यहां से भी बी हमारा 616 निकला था। देखो चीजों को मैंने यहां 108 से 864 को भागा दिया था 8 बार में, फिर वही चीज मैंने की यहां पे, लेकिन यहां पे मैंने एक अंडरस्टैंडिंग बना के एक लाइन में मैंने यहां पे कर दी, यहां पे मुझे स्टेप बाय स्टेप आते जाना पड़ रहा था। ठीक है, तो जब बी हमारा 616 यूनिट आ गया तो फिर सेम तरीका, टोटल मिक्सचर जो हमारा निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 616 गुना में 2 यानी कि 1232 यूनिट, और 864 प्लस में वाटर इज इक्वल टू टोटल मिक्सचर यानी कि 1232 यूनिट, यानी वाटर की वैल्यू जो निकल जाएगी वो कितनी निकल जाएगी, 368 यूनिट, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है 368 यूनिट। तो चीजों को ना हमें ऑब्जर्व करना है। देखो चीजों को ऑब्जर्व कैसे किया मैंने यहाँ पे, कि 9 × 4 और यहाँ पे 9 × 3 था। ठीक है, तो बेसिकली 9 9 जब कॉमन आ गया तो मैंने मल्टीप्लाई क्या किया, 4:3 से मल्टीप्लाई किया। ये 4 आया कहाँ से, ये 3+1 4 आया, यहाँ 2+1 3 आया। ठीक है, तो ये चीजों को आप जब ऑब्जर्व करोगे और थोड़ा सा सोचोगे कि ये चीजें हो क्यों रही हैं, फंडामेंटल, जब तक आपको फंडामेंटल नहीं आएगा तब तक आप इन चीजों को अच्छे से नहीं समझ सकते हो। ठीक है, तो आप चीजों को दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व करो और इसी पैटर्न पे आप हर एक सवाल को ढूंढो, वहां कुछ ना कुछ क्लू आपको मिलेगा ही मिलेगा और चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।